हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज भी हम जीव जगत का वर्गीकरण अध्याय को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने वर्गीकरण प्रणाली और पहले जगत मोनरा के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम प्रोटिस्टा जगत को जानेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और प्रोटिस्टा जगत की कुछ विशेषताओं को जानते हैं। इनमें सभी एक कोशिक यूकैरियोटिक जीव आते हैं। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। ये अलैंगिक जनन कोशिका संलयन द्वारा एवं लैंगिक जनन युग्मनज बनने की विधि द्वारा करते हैं। चलिए दोस्तों प्रोटिस्टा जगत के पहले समूह क्राइसोफाइट के बारे में जानते हैं। इस समूह के अंतर्गत डायटम तथा सुनहरे शैवाल जिन्हें डेस्मिड्स भी कहते हैं आते हैं। ये स्वच्छ जल यानी कि फ्रेश वाटर तथा लवणीय जल यानी कि मरीन वाटर पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म तथा जलधारा के साथ निश्चेष्ट रूप से बहते हैं। आइए दोस्तों आप देखते हैं कि डायटम्स दिखते कैसे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया डायटम्स अत्यंत सूक्ष्म जीव हैं और दोस्तों इनकी कोशिका भित्ति में सिलिका होता है और साथ ही में इनके पास पौधे नुमा क्लोरोफिल भी होता है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जीव समुद्र की सतह पर पाए जाते हैं। सिलिका होने की वजह से ये नष्ट नहीं होते हैं और अपने अवशेष छोड़कर चले जाते हैं जिन्हें हम डायटमिक मृदा कहते हैं यानी कि डायटमेशियस अर्थ। इस चित्र को देखिए, यह डायटमिक मृदा का एक नमूना है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और डायटमिक मृदा के कुछ उपयोगों को जानते हैं। कणमय होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन में होता है। यहां पर देखिए दोस्तों, यह डेस्मिड है जो कि क्राइसोफाइट का एक सदस्य है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और डायनोफ्लेजिलेट को समझते हैं। ये समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं और अधिकतर के पास दो कशाब होते हैं जिसमें एक लंबवत तथा दूसरा अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पट्टिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होता है। और दोस्तों आप ये साथ वाला चित्र देख सकते हैं, डायनोफ्लेजिलेट कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। और दोस्तों डायनोफ्लेजिलेट अलग अलग रंगों के भी होते हैं जैसे कि पीले रंग का, हरे रंग का। और दोस्तों लाल डायनोफ्लेजिलेट की संख्या में विस्फोट जब होता है जिससे समुद्र का जल लाल दिखने लगता है, इसको हम रेड टाइड्स कहते हैं। और लाल डायनोफ्लेजिलेट का उदाहरण है गोनियोलैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और यूग्लिनॉइड को समझते हैं। यूग्लिनॉइड भी प्रोटिस्टा जगत का एक समूह है। इसको हम इसके एक उदाहरण यूग्लिना से समझेंगे। यूग्लिना दोस्तों कुछ इस प्रकार का दिखता है। आइए अब यूग्लिनॉइड की कुछ विशेषताओं को जानते हैं। इसमें से अधिकांश जीव स्वच्छ जल में पाए जाते हैं जो कि स्थिर होता है। इनमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकल होती है जो इन जीवों को लचीला बनाती है। इसके लचीलेपन के बारे में हम आगे बात करेंगे। इनमें दो कशाब होते हैं, छोटा तथा लंबा। और दोस्तों ये जीव दोनों प्रकाश संश्लेषी तथा परपोषित हैं। आइए दोस्तों अब हम यूग्लिना को थोड़ा और अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यूग्लिना कुछ इस प्रकार का दिखता है। आप इसको इसका कशाब हिलाते हुए देख सकते हैं, यह है इसका लंबा कशाब है। और दोस्तों जो छोटा वाला कशाब है वह कोशिका से बाहर नहीं आता है, इसलिए आप उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। और आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितने लचीले जीव हैं।
दोस्तों अब हम प्रोटिस्टा जगत के अगले समूह अवपंख कवक को जानेंगे। ये जीव मृतपोषी होते हैं और सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तियों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। और दोस्तों यह अनुकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम बनाते हैं जो कि कई फीट तक लंबा हो सकता है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में यह बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के साथ होता है। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और प्रोटोजुआ को समझते हैं। सभी प्रोटोजुआ परपोषी होते हैं और परजीवी के रूप में रहते हैं। इसका उदाहरण है अमीबा, और अमीबा दोस्तों कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब दोस्तों प्रोटोजुआ को हमने चार प्रमुख समूहों में बांटा है। जो सबसे पहला है इसका समूह, उसको हम कहते हैं अमीबीय प्रोटोजुआ, और एंट अमीबा इसका उदाहरण है। ये स्वच्छ जल, समुद्री जल तथा नम मृदा में पाए जाते हैं। इसका दूसरा समूह है कशाबी प्रोटोजुआ, इसका उदाहरण है ट्रिपैनोसोमा। ये मुक्त जीवी होते हैं और परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इनके पास कशाब भी होता है। इसका तीसरा समूह है पक्षमाभी प्रोटोजुआ, इसका उदाहरण है पैरामीशियम। ये अत्यंत सक्रिय गति करते हैं और इनके पास पक्षमाभ होता है जो कि यहां पर होते हैं दोस्तों। और इसका चौथा समूह है स्पोरोजुआ, इसमें काफी प्रकार के जीवधारी आते हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया बीमारी करता है। यहां पर दोस्तों प्रोटिस्टा जगत समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ा, जिसके हमने कुछ विशेषताएं और समूहों को जाना। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज हमने आपके एनसीईआरटी का एक जगत प्रोटिस्टा खत्म कर लिया है। आप इसको जरूर घर से एनसीईआरटी किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम कवक जगत के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।